का अर्थमेट्रिक्स अंग गणित और उसके बाद में आपका इंटर हाई स्कूल तक का जनरल इंग्लिश, इतना अगर चीजें आपने कंप्लीट कर लिया, थानेदार का इम्तहान आता है। दरोगा कितने लोग बनना चाहते हो, हाथ उठाओ जरा। ओफो, इटावा का दरोगा, क्या नाम बेटे, खड़े हो, शाबाश, बहुत बढ़िया, हाँ खड़े हो जाओ दोनों। क्या नाम आपका है? मंजीत। तुम्हारा? सूरज भाई, शाबाश, बैठ जाओ, ताली बजाओ बच्चों के लिए, जोरदार हौसला है इनके अंदर। यानी कुल मिलाकर के आप तभी बन पाएंगे जब आप इंटर तक का एनसीईआरटी का किताब खरीद करके अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि सारे टेस्ट कैसे होते हैं आजकल, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट का पेपर सेटर कैसे पेपर सेट करता है, एनसीईआरटी किताब का पेश होता है। और जब भी कभी कोई पेपर में बात, कोई क्वेश्चन होता ना, गलत क्वेश्चन आ गया या कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो मिलान किससे किया जाता है, आंसर एनसीईआरटी ढूंढा जाता है। इसलिए अपनी बुनियाद मजबूत अगर करनी है तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिएगा, अभी से पढ़ लेंगे, 600-700 रुपए की पूरा सेट आ जाएगा। और इंटरमीडिएट तक का स्टैंडर्ड का मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, वो किताब खरीद लीजिएगा, वो बेड़ा आपका पार हो जाएगा। जैसे जनरल स्टडी का कोई भी विषय कहीं से भी पूछा जाए, अगर एनसीईआरटी की किताब पढ़ हुआ है तो आप कहीं से भी कितने घुमा फिरा करके पूछे, ये मान के चलिए कंपटीशन टफ हो रहा है, दिन पर दिन टफ हो रहा है, लाखों बच्चा बैठता है, लाखों बच्चों में कुछ ही सेलेक्ट होते हैं, और कुछ सेलेक्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलग हटके मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर एक। नंबर दूसरा चीज, करंट अफेयर के लिए कोई सा मैगजीन एक ले लीजिएगा, कोई मैगजीन जो आपको अच्छी लगे। और देख लीजिएगा दुकानों पे, यहाँ पे बाबरपुर में संत ज्ञानेश्वर की दुकान है, इटावा में दुकान है, और यह बड़ा कस्बा है। अरे बच्चों, हम तो इसलिए यहाँ आए हैं कि हम जब तुम्हारे जैसे यहाँ कुर्सी पे बैठा करते थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें बातें कोई बताने वाला नहीं था। मेरा बड़ा दिल किया कि मैं कम से कम आपको इतना वो चीजें जिन्हें हम तो खुद ही अपना रास्ता दिखाना था, खुद ही उसमें चलना था, खुद ही टॉर्च दिखाना था, खुद ही उसमें चलना था, तो आज हम चूंकि वो रास्ता नाप करके आए, तो हमारे अजीतमल जनता डिग्री कॉलेज के बच्चों को भटकना न पड़े, एक डेढ़ घंटा में हम उनको बात बता सके जो हम जिससे हमें शायद अगर हमें उस समय हम पढ़ते थे उस समय अगर कोई गेस्ट स्पीकर आकर के इस तरीके का लेक्चर दे दिया होता तो शायद हम 5 साल पहले आईएएस प्रॉपर आईएएस हो गए। करंट अफेयर्स का किताबें खरीद ली, एक मैगजीन खरीद लीजिएगा जो अच्छी लगे आपको, नहीं अगर खरीद सकते त्याग, अगर लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी, बट रेगुलरली एक मैगजीन की पढ़ने की आदत डालिए बेटा। कहां क्या हो रहा है, अफगानिस्तान से राजदूत वापस क्यों बुलाए जा रहे हैं, अफगानिस्तान क्यों अपने दूतावास से राजनयिक संबंध हमारे अफगानिस्तान से क्यों खराब हो रहे हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऐसा कह दिया जिसके वजह से हलचल पूरी दुनिया में मची हुई है। जब तक ये मोटी मोटी बातें आप नहीं जानेंगे तब तक आईएएस आईपीएस दरोगा बनना बेटा थोड़ा कठिन है। तो मैगजीन एक पढ़िएगा, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं हम बता के जाए कितने लोग पढ़ेंगे, हाथ उठा के बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, डाउन। फिर उसके बाद में एक अखबार पढ़ना शुरू करिएगा, पढ़ना और एडिटोरियल का समझना थोड़ा कठिन होता है, पर अगर आपने पढ़ने की आदत डाल दी तो महीना 15 दिन जरूर लग जाएगा, पर महीना 15 दिन में अगर आप एडिटोरियल पढ़ करके समझना शुरू कर दिए, कोई माई का लाल नहीं जो आपको परीक्षा में फेल कर पाए, ये हमारी पत्रिका की। जितना आप टाइम मोबाइल फोन, मैं देखा करता हूँ आजकल के बच्चे मोबाइल लिए हुए हैं, पता नहीं क्या उसमें खोजते रहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं, क्या देखते रहते हैं। अरे मोबाइल एक बातचीत करने का माध्यम हो सकता है, मोबाइल नहीं था तब भी हम अफसर बन गए, मोबाइल नहीं था तब भी हम लोग पढ़े लिख गए, अब मोबाइल आ गया कैसा। अभी मैं लेटेस्ट अनुभव बता रहा हूँ, मेट्रो से लखनऊ का रोज आ रहा था, 99% प्रेमी जी 99% लोग बाग मोबाइल लिए थे, चाहे बुढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, एडिटोरियल जो समझ में ना आए सब उसकी जानकारी के लिए पढ़िएगा, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़िएगा, और जो न्यूज़पेपर अच्छे लगे उसका पेपर कटिंग कर लीजिएगा। ये एक गूढ़ बात बताए, जो चीज़ आपको अच्छी लगे एक बार आपका अंडरलाइन पड़ा हुआ होगा तो आपको आगे चल के मदद मिलेगा। डेली कोई ना कोई रेडियो सुनने की आदत डालिएगा,
जैसे प्रधानमंत्री जी है मन की बात कहलाते, मन की बात में वो पूरा सारा जितना हिंदुस्तान में डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, चाहे नवयुवकों के लिए हो, बेरोजगार के लिए हो, चाहे बैंक का के लिए हो, कल कारखाने, मन की बात के मध्य हम ये कहते हैं कि वॉइस ऑफ अमरीका एक आता है, बीबीसी लंदन एक आता है, एक और रेडियो चाइना इंटरनेशनल आता है, ये तीन चैनल है जो आपका एक घंटे में पूरा दुनिया घुमा देंगे, आपको पूरी दुनिया हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा दुनिया आपको क्या नाम है इधर जापान से लेकर के कनाडा तक पूरा दुनिया आपको एक घंटे बैठे बैठे कहाँ क्या हुआ, कौन कहाँ गया, कौन नेता कहाँ गया, कहाँ घटना क्या हुआ, कहाँ तकनीक क्या हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी क्या, कहाँ उपग्रह छोड़ा गया, कहाँ क्या हुआ, कहाँ विस्फोट हुआ, किन दो में लड़ाई हो रही है, कौन देश का नेता कहाँ गया, इत्यादि इत्यादि की जानकारी इसमें हो जाएगी। एंड ट्राई टू मेक अ नोट, मैं इसी हॉल की बात बता रहा हूँ, इसी हॉल की बात बता रहा हूँ, यहाँ जो पढ़ाया जाता था क्लास में, गिरीश चंद्र तिवारी जी अभी भी ध्यान है, हमको पढ़ाते थे, जो पढ़ाते समय सब टोटल पूरा मैं नोट कर लिया करता था, और नोट करने के बाद में ठीक है बहुत तेज बोलते थे, जो जितना नोट कर पाते नोट कर पाते थे, बाकी घर जाके फेयर करते थे उसको, और फेयर करके वही अपना रट मारते थे, वही नोट्स हमारे, उन्हीं नोटों से पढ़ पढ़ करके मैं बीसीएस अफसर बना हूँ, इसलिए नोट बड़े बड़े पास समझ में आए तो जोरदार ताली बजाइएगा और अनुपालन करिएगा, तो जो क्लास में पढ़ाया जाए उसका नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बना जा करके घर में रिवीजन करिएगा। आपका ये जो तैयारी है, ये मकसद ग्रेजुएशन अकेला करना नहीं है, ग्रेजुएशन करने बाद में जो दिशा आप तय करें, अपना अफसर बनना चाहे बैंक अफसर बनना चाहे पुलिस अफसर बनना चाहे सीबीआई अफसर बनना चाहे सीपीएमएफ में अफसर बनना चाहे आर्मी में अफसर बनना चाहे नेवी में अफसर बनना चाहे आईएएस बनना चाहे आईपीएस बनना चाहे राजनीति करना चाहे बिजनेस करना चाहे हर एक में ये काम आएगा। ये चीज आपको बता दिया, मेक अ नोट अपना बनाएंगे, आधा घंटे व्यायाम को जरूर दीजिए, मेरा सबको सुझाव चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, आधा घंटा व्यायाम के लिए जरूर दीजिएगा, व्यायाम क्यों सब कुछ जितना दायित्व करना है, जो भी निर्वहन करना है इस शरीर से करना है, अगर शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो बकिया के काम कैसे कर पाए, और लड़कों के लिए खासतौर से, बेटियों के लिए भी खासतौर से आधा घंटा शरीर के लिए जरूर दीजिएगा, पीटी करें, योगा करें, साइकिल चलाएं, कसरत करें, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, बैडमिंटन खेले, वॉलीबॉल खेले, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, दौड़े, साइकिल चलाएं, ये दरोगा का भर्ती होगा उसमें भी काम आएगा, सिपाही का भर्ती होगा उसमें भी काम आएगा, जिसमें भी भर्ती होना चाहे उसमें काम आएगा, बट फिजिकल फिटनेस जरूरी है। एक और लास्ट कहूंगा, 5 मिनट भगवान का ध्यान करें, 5 मिनट भगवान का ध्यान जरूर करें, ये मैं इसलिए कहता हूं, तो आप लोग नौजवान हैं, अभी आप कंपटीशन के और आगे बढ़ रहे हैं, आप उस गेट और कंपटीशन काहे का होता है, आजकल हर एक कंपटीशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, चाहे जो देंगे बैंक का दीजिए तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, आईएएस का प्री एग्जाम दीजिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, पीसीएस का प्री एग्जाम दीजिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 80 सवाल पूछे जाएंगे, 150 सवाल पूछेंगे, 100 सवाल पूछे जाएंगे, और उन सवालों में से उन्हीं में से आपको हल करके देना है, तो वो तभी आप हल कर पाएंगे जब आप, कुछ सवाल आपको आते होंगे, कुछ सवाल आपको नहीं आते होंगे, कुछ में आप अनुमान लगाएंगे, कुछ में आप तुक्का मारेंगे, हो सकता है आपका तुक्का सही बैठ जाए, इनका गलत हो जाए, इनका सही हो जाए आपका गलत हो जाए, चांस की बात है, चांस किनका साथ देता है, भगवान किनका साथ देता है, कर्मठ लोगों का, मेहनती लोगों का, इसलिए 5 मिनट ऊपर वाले का जरूर ध्यान करिएगा, आप जिस धर्म को मानते हो, जिसको देवी देवता मानते हो, पर 5 मिनट ऊपर वाले का स्मरण जरूर दीजिएगा, उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस हाल में बैठ करके पढ़ रहे हैं, हमारे हाथ पांव दुरुस्त हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कितने बेचारे ऐसे हैं जो न चल पाते हैं, न फिर पाते हैं, न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिएगा कि उसने हमको इस लायक बनाया कि हम पस्ता लेकर के डिग्री कॉलेज जनता में पढ़ने के लिए आए, इसलिए 5 मिनट को ऊपर वाले का ध्यान जरूर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने आप का एवोल्यूट जरूर करिएगा, अपने आप का मूल्यांकन करिएगा, आजकल हर एक सब्जेक्ट का, चूंकि मेरा स्कूल रहा है, मैं स्कूल से पढ़ करके बड़ा हुआ हूं, मैं स्कूल से निकल करके आया हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, आज ज्योग्राफी के सवाल आते हैं, आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, जनरल स्टडी का क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, 1000 क्वेश्चन हो जो 10,000 क्वेश्चन हो, और ऑब्जेक्टिव टाइप हो जिसमें लास्ट में आंसर दिए हो, आप अपने का मूल्यांकन करते रहिएगा, आप हिस्ट्री के 10 सवाल उठाइएगा,
आप पॉलिटिक्स के 50 सवाल उठाइएगा, मैथमेटिक्स उठाइएगा, अंग्रेजी उठाइएगा, सिविक्स उठाइएगा, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे उठाइएगा, पर मूल्यांकन करिए अगर आपने 50 सवाल हल करे 50 में आप सही कितने पे, क्योंकि आज के दौर में माइनस मार्किंग का भी चलता है। माइनस मार्किंग जानते हो बच्चे लोग? कोई बताए बच्चा माइनस मार्किंग क्या होता है? खड़े हो बेटे कौतिक बाबू, माइनस मार्किंग क्या मतलब होता है? सावध बैठ जाओ। मतलब अगर आपने कमाए 4 रुपए और गलती किया तो 2 रुपए उसमें से कट जाएंगे आपके। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों रखा जाता है, माइनस मार्किंग क्यों रखा जाता है? सपोज करिए आप बैंक में बाबू हो गए, बैंक में आप अफसर हो गए, अब बैंक में अफसर हो गए, अफसर की कुर्सी पे बैठ गए आप, अगले ने चेक भर के दिया 5,000 रुपए पेमेंट कर दीजिएगा, आपने 2,000 रुपए का नोट 5 नोट गिनती 500 का समझ करके पेमेंट कर दिया। ध्यान से सुनते जाना, आप बैंक में कैशियर हो गए, कैश की सीट पे बैठ गए, आपने 500 का 5,000 का पेमेंट करने की जगह जहां आपको पेमेंट करना चाहिए था 5-5 का नोट, आपने 2-2 हजार का नोट पेमेंट कर दिया। लास्ट में जब बैलेंस शीट बनेगी शाम को, मैनेजर आपसे वसूलेगा। आप दरोगा हो गए, आप पुलिस में कप्तान हो गए, आप कलेक्टर हो गए, आपका एक गलत निर्णय हजारों लोगों की जीवन बना सकता है, हजारों लोगों का जीवन बिगाड़ सकता है। इसलिए माइनस मार्किंग का कंपटीशन में बड़ा, तो अपना मूल्यांकन करते रहिएगा कि हम गलत ना करें, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसमें गलती ना करने पाए, ये करना चाहें। और लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ाने का कोशिश करिएगा हर फील्ड में। गुल्लक जानते हो? गुल्लक दिवाली में खरीदे जाते, पूजा करते हो? एक कौन सा त्यौहार आता दिवाली के पहले जिसमें कोई नई चीज खरीदी जाती है? जोर से बोलो। अब धनतेरस में आपने कहा कि चलो अगले साल हम नई साइकिल खरीदेंगे, अब नई साइकिल खरीदेंगे जब 4 पैसा बचत करेंगे तभी तो नई साइकिल खरीद पाएंगे। अब साल भर अगर पैसा बचत नहीं करेंगे तो नई साइकिल नहीं खरीद पाएंगे। यही सेम फॉर्मूला कंपटीशन पर लागू होता है। अगर आपका लेवल ऑफ नॉलेज उतना अगर नहीं कर पाए तो आप कंपटीशन कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस लेवल ऑफ नॉलेज जो कंपटीशन आप बैठे उस कंपटीशन में बैठने का कोशिश करिएगा। और संक्षेप में काफी समय हमने ले लिया, बोर तो नहीं हो रहे? जहां लगे कि हाँ साहब अब ज्यादा हो रहा है वहां मना कर दीजिएगा, नहीं ठीक है। जब लगे कि नहीं साहब अब बोर हो रहे हैं, लगे कि कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होंगे, कुछ बच्चे मध्यम होंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल कमजोर होंगे। वो बच्चा बहुत पढ़ने में कमजोर था और वो बच्चा इतना पढ़ने में कमजोर था कि हाई स्कूल में 3rd ईयर पास आया। हाई स्कूल में 3rd ईयर पास हुआ तो घर में जाके डांट पड़ी, माँ बाप ने उसको काफी डांटा फटकारा, बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। कहा कि ऐसा है, हाई स्कूल में साइंस आर्ट थी, साइंस आर्ट छोड़ दो, साइंस तुम्हारे बस की नहीं है, आर्ट साइड ले लो। बच्चे को आर्ट साइड दिलाई गई और कहा गया कि अब मेहनत लगा के पढ़ना, इंटर में डिवीजन खराब ना होने पाए। लड़का मेहनत किया, खूब मेहनत किया, पढ़ा, जी भर के पढ़ा, पर इंटर में भी उसकी डिवीजन 3rd डिवीजन आई। अच्छा, इंटर में भी 3rd डिवीजन आई तो घर में जाके अब तो बहुत ही ज्यादा डांट पड़ी, का तू कहा करेगा जा करके, फर्स्ट क्लास की तो नौकरी नहीं मिलती है, 3rd डिवीजन को कौन पूछ रहा है, तू बेकार है, फलाना ढिमाका, किसी काम का नहीं, नालायक है, निकम्मा है, न पढ़ता है न लिखता है, दिन भर खेलता रहता, तेरे कुछ बस का नहीं, तू जिंदगी को नहीं बन पाएगा, बस ऐसे ही तूने पैसा बर्बाद कर दिया, फलाना ढिमाका, जो घर में सुना सकते थे इटावा की भाषा में गोबर गणेश जो कह सकते थे सब, किसी का काम का नहीं। फिर उसके बाद कहा गया था चलो ठीक है, अब BA में नंबर आया तो BA में दाखिला लेने का नंबर आया, तो कहा गया ऐसा है अब देख ले छाट ले जो सबसे सरल विषय हो, कम से कम जिंदगी में एक तो कोई डिवीजन सेकंड आ जाए, तेरी तो जो 3rd से तेरा ठेका ले रखा जैसे तूने। फिर कहा गया जो सबसे सरल विषय वो सरल विषय ले ले, तो कहा जो छाटे लोगों ने बताए छाट छाट करके, कहा देख शिक्षा साथ ले ले,
सबसे सरल है। लड़कियों का विषय कहा जाता है, बोले शिक्षा साथ ले ले पास हो जाएगा, सेकंड विजन आ जाएगा। फिर कहा गया शिक्षा साथ ले ले समाज साथ ले ले, 40-45 नंबर आ जाते हैं। हिंदी ले ले हिंदी भाषा ले ले, और लड़के के जबरदस्ती यार दोस्त उनका भर दिया फार्म। ये विषय लेने के बावजूद भी शिक्षा साथ समाज साथ हिंदी में भी वो बच्चा बीए पार्ट वन में फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो घर में कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद, भूरो डालो। भूरो डाला जानते हो? भूरो तो जानते हो ना सब गाँव में। गाड़ी यहाँ की खेती करी, सब कुछ किया, उसी का छोटा भाई उसी साल 80-86% नंबर लेके इंटरमीडिएट पास हुआ, इंजीनियर में सिलेक्शन का, सिविल इंजीनियर बना, बड़ा इंजीनियर। जब वो लेकर के उसे आया बस स्टेशन गांव तक, तो रास्ते में जाता जाए उसका ड्यूटी यही लगाएगा कि तेरे पढ़ाई लिखाई बस का है नहीं, जब ये घर आया करे तब साइकिल से जा करके स्टेशन से लेकर के घर ले आए और घर से लेकर के स्टेशन, यही एक काम। और भूरे डाले और चारा काटो और अपना जानवर चलाओ और बैलगाड़ी यहाँ हो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। जबरदस्ती ये सब होता रहा, तब उस बच्चे के दिमाग में आ गया जिंदगी में कुछ ना किया तो पूरा जिंदगी यही बैलगाड़ी हाँकते हाँकते गुजरेगा। फिर उसने कहा वहीं पे जब ले आ रहा था रास्ते में, कहा कि अब कसम खाते अब कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे। कहाँ से आशा की किरण जाग जाए कोई ठिकाना नहीं। फिर कहा जो सबसे कठिन विषय होगा वो ढूंढेंगे। फिर पूछा उसने, कहा सब कठिन विषय कौन कौन है? कहा तो पार्ट वन में जब दाखिला लेने गया तो स्कूल में दाखिला हुआ नहीं, फार्म फेंक दिया गया। बोले इससे सरल विषय पूरा दुनिया में नहीं है। बोले इतने विषय में भी तू फेल हो गया, आगे क्या पढ़ाई कर, कौन विषय लिया जाएगा? दाखिला नहीं हुआ तो एक्स स्टूडेंट के तौर पर उसने दाखिला लिया, और दाखिला लिया और विषय कौन लिए? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी। उससे कठिन विषय यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ करते थे। और विश्वास भी करोगे उस बच्चे ने 3 विषय कठिन लेकर के फर्स्ट क्लास बीए में पास किया, 3 विषय लेके फर्स्ट क्लास पास। फिर बच्चा पढ़ करके अगली यूनिवर्सिटी में गया, अगली यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला लेने गया। कहा कि तू तो गांव से आया पढ़ करके, अच्छे स्कूल में गया, क्राइसिस कॉलेज में गया, फार्म फेंक दिया प्रिंसिपल ने। बोले शहर का है स्कूल, में शहरी बच्चों का दाखला होता है, गंवारों का दाखला नहीं होता है, देहातियों का दाखला नहीं होता है। डीएवी कॉलेज में जाओ वहां दाखला ले जाकर के फार्म फेंक दिया। गिरते पड़ते बच्चे ने फार्म उठाया, और फार्म उठा करके और तो कुछ था नहीं क्योंकि गांव देहात से गया था, और वो कॉलेज इंग्लिश मीडियम का था और बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के गया था, कुछ भी नहीं समझ में आया। जब देखा हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सामने उसने मार्कशीट रखी जा करके कि सिर्फ हमारा मार्कशीट देख लीजिएगा जिसमें मैं एमए में दाखिला लेना चाहता हूँ। राजनीति शास्त्र में उस बच्चे के 62 नंबर थे, 62 उतने नंबर यूनिवर्सिटी भर में किसी बच्चे के नहीं थे। प्रिंसिपल ने उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने दाखिला लिया, और दाखिला लेने के बाद में साल भर 6 महीने तक वो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पढ़ाया जाता था अंग्रेजी मीडियम, वो था हिंदी मीडियम, गांव से पढ़ के गया था। फिर वो लाइब्रेरी ढूंढकर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा, और एमए का यूनिवर्सिटी का वो बच्चा सेकंड टॉपर बच्चा था। और पढ़ते 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 फिर उन्हें ठाका वहीं पर नहीं रुका माना, बोले आगे और जाएंगे। फिर इलाहाबाद गया, कंपटीशन का तैयारी किया, तो जब कंपटीशन की तैयारी करने का तो वहां लड़कों ने मजाक उड़ाया, कहा ये आए हैं गांव से पढ़े लिख करके, कानपुर के पढ़े लिखे अभी आईएएस बनने आए हैं यहाँ पे, मजाक उड़ाया बुरी तरीके से। जब इलाहाबाद जा रहा था रास्ते में तो पूरा चोरों ने सामान चोरी कर लिया, पूरा अटैची पूरी चोरी सामान चोरी कर लिया है, कुछ नहीं बचा अटैची में, जो कपड़े पहने था उस बच्चे के पास वही कपड़े बचे। जानना चाहो लड़का कौन था? वो लड़का और कोई नहीं, हरीश कुमार आई तो कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करने वालों की कभी और लहरों से डर कर नौका, और चुटकु
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और नन्ही सी चीटी, ध्यान से सुनिए जो हॉल में बैठे बच्चे बैठे हुए दिखाई दो, जितने धैर्य से बैठे हो यहाँ पे इतनी देर से, इसलिए कहता हूं आप सबसे कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने को लोग मिल जाएंगे। कमियां निकालने के लोग है ना, कमी निकालने वाले बोलो कोई दिक्कत नहीं, अरे कहाँ आ गए यार, कहाँ बैठा लिया यहाँ पे, ना पंखा चल रहा है ना बिजली आ रही है, छोटा सा हाल है, पता नहीं काहे कितनी देर तक खींचेंगे, बहुत लंबा खींच रहे हैं, बहुत देर हो गई है, बहुत छका रहे हैं, अरे अब तो पिंड छोड़ो, अम्मा घर से अलग परेशान होगी, भैंसिया का दूध लगाना है, अभी वो जाकर पता नहीं कहाँ जाना है, किताब भी लेके जाना है, सब्जी भी लेके जाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो, शायद ये बातें कुछ काम आ जाए पढ़ लेकर। तो तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लोग हैं ना, और अगर रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लोग हैं ना, और सपने देखने हैं तो ऊंचे देख और नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर की जुनून की चिंगारी फड़का, अपने अंदर के जुनून की चिंगारी भड़ाता और चलने के लिए लोग। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है ना। रहना है तो बच्चा बनकर रहे, समझदार बनने के लिए लोग है ना। भरोसा रखना है तो तू खुद पर रह, शक करने के लिए लोग है ना। तू बस संवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग है ना। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा, तू कुछ करके दिखा, और तालियां बजाने के लिए लोग। पर्वत को चीर कर निकलती है जब नदी, कि पर्वत को चीर कर जब नलती है निकलती है नदी, ये नहीं पूछती है कि समंदर तू कितनी दूर। ये ज्वलंत उदाहरण आपके सामने खड़ा है। पहाड़ को चीर कर निकलती है जब नदी, तो ये नहीं पूछती है कि तू समंदर तू कितनी दूर है। और पतंग को पता होता है कि उसका आखिरी मुकाम कचड़ा घर, पतंग को पता होता है कि उसका आखिरी मुकाम कचड़ा घर है, पर उसके पहले उसे आसमान छूना होता है।